दक्षिण भारत के गांव में रमा और उसके पति चिनप्पा रहते थे। दोनों गांव के एक खेत में मजदूरी करके अपना घर चलाया करते थे। रमा और चिनप्पा के एक बेटी और बेटा थे। वो लोग अपने बच्चों को पढ़ा लिखा कर बड़ा बनाना चाहते थे, लेकिन एकाएक चिनप्पा की तबीयत खराब रहने लगी। वो बहुत बीमार हो गया। अब रमा को खेतों में मजदूरी भी करनी पड़ती थी, अपने बच्चों का भी ख्याल रखना पड़ता था और अपने बीमार पति का भी। उसकी परिस्थिति बहुत ही खराब हो चुकी थी। एक दिन चिनप्पा को देखने उसका भाई मोहन आया। भाई, तुम्हारी तबीयत तो बहुत खराब है, तुमने डॉक्टर को दिखाया या नहीं? दिखाया देवर जी, पर फिर भी कोई असर नहीं हो रहा है। मैं मंदिर में तुम्हारे नाम की अर्चना करूंगा, तुम जरूर ठीक हो जाओगे। ठीक है मेरे भाई। भाभी, आप अकेले पे घर संभालने का सारा भार आ गया है ना? हाँ, लेकिन अब घर तो चलाना ही होगा ना। भाभी, मैं एक इडली की दुकान डाल रहा हूँ, क्या आप वहाँ इडली बनाना चाहेंगी? जिससे आपको अधिक पैसे भी मिल जाएंगे और आपकी आर्थिक परिस्थिति भी सुधर जाएगी। मुझे जो भी मुनाफा होगा वो हम दोनों बांट लेंगे। हाँ ठीक है देवर जी। और अगले दिन से रमा मोहन की दुकान में इडलियाँ बनाने लगी। गांव के लोगों को रमा की बनाई हुई इडली बहुत पसंद आई। देखते ही देखते रमा की बनाई हुई इडलियाँ मशहूर हो गईं। दुकान में रोज लोगों की भीड़ लगने लगी। दोनों रमा और मोहन खुश थे, क्योंकि दोनों का मुनाफा बढ़ता जा रहा था। कमाए हुए मुनाफे से रमा ने चिनप्पा का अच्छा इलाज करवाया और कुछ ही दिनों में चिनप्पा फिर से चलने फिरने लगा। अब 2 महीने बीत गए और रमा और मोहन की दुकान में ग्राहकों की भीड़ लगी रहती थी। और आज रमा सोचने लगी, ये इतनी सारी भीड़ सिर्फ मेरी इडलियों की वजह से है, तो मेरे मुनाफे पे ज्यादा हक हुआ। मोहन तो सिर्फ सामान लेकर देता है और ग्राहकों को इडलियां बांध के देता है, तो उसे बराबर का मुनाफा बिल्कुल नहीं मिलना चाहिए। शाम के समय जब दोनों मुनाफा बांट रहे थे, तो देवर जी, सारी इडलियां मैं ही बनाती हूँ, अगर मेरी इडलियां इतनी स्वादिष्ट ना होती तो आपको इतना मुनाफा नहीं होता। वो तो है भाभी, आपकी इडलियां वाकई में बहुत अच्छी हैं। तो इस वजह से मेरा मुनाफे पे हक ज्यादा होना चाहिए। लेकिन भाभी, ये गलत है, मैं भी दिन भर मेहनत करता हूँ तब जाके हम इतना कमाते हैं। मतलब हम दोनों ही बराबर मेहनत करते हैं, इसीलिए मुनाफे पे हम दोनों का बराबर का हक हुआ। नहीं देवर जी, अब आप गलत बोल रहे हैं। अगर ऐसा है तो कल से आप कोई और इडली बनाने वाली को रख लो। रमा मोहन से बहस कर अपने घर निकल गई और अगले दिन से गांव में 2 इडली की दुकानें लगी। एक रमा की, जहाँ वो खुद ही इडलियाँ बना रही थी और बेच रही थी, और एक मोहन की, जहाँ एक दूसरी औरत इडलियाँ बना रही थी। रमा की नई दुकान देख सारे गांव वाले उसकी दुकान की ओर चले गए, लेकिन रमा अकेली थी। वो इतने ज्यादा लोगों को अकेले संभाल नहीं पा रही थी। आखिर थक कर सारे गांव वाले मोहन की दुकान पर लौटे, जहां मोहन हमेशा की तरह सभी ग्राहकों को अच्छे से इडलियां देता रहा। ये सिलसिला रोज चलता रहा और देखते ही देखते गांव वाले मोहन की इडली की दुकान में ही इडली लेने जाया करते थे। अब रमा अकेले अपनी दुकान पर खड़े रहकर पछता रही थी।
ये मैंने क्या कर दिया? मुझे लगा था इडलियां बनाना ही सब कुछ था, लेकिन नहीं, मोहन का ग्राहकों को संभालना भी बहुत जरूरी था। कम से कम जब मैं मोहन के साथ थी, मुझे अच्छे पैसे तो मिलते थे, लेकिन अब मेरी इडलियों को कोई पूछता भी नहीं। रमा को अपनी इडलियों पर घमंड था, जो अब टूट चुका था। इसलिए कहते हैं कि घमंड कांच की तरह होता है, जो जरूर टूटता है। घी ले लो, शुद्ध देसी गाय का घी ले लो, घी ले लो। ओह विमला, 1 किलो घी तोल दो। क्या दीदी, सिर्फ 1 किलो? देखिए आप कितनी पतली होती जा रही हैं। थोड़ा रोटी पे घी लगा के खाया कीजिए और फिर देखिए आपकी तबीयत कितनी मस्त हो जाएगी। ठीक है ठीक है, तुम 2 किलो ही तोल दो। ये हुई ना बात दीदी। विमला ने 2 किलो घी तोल दिया और वो खुशी खुशी आगे बढ़ती रही। रास्ते में उसे कई ग्राहक मिले। आज उसका घी का व्यापार बहुत अच्छा हो रहा था और अब उसके पास सिर्फ थोड़ा सा घी ही बचा था। थोड़ी दूर चल के उसे दिन का आखिरी ग्राहक मिल ही गया और अब उसका सारा घी खत्म हो चुका था। विमला खुशी खुशी लौट रही थी कि तभी उसे एक छोटे बच्चे ने आवाज दी। विमला काकी, घी है क्या? नहीं बेटा, घी तो खत्म हो गया। ठीक है काकी, कल आप ज्यादा घी ले आना। हाँ लला, कल तुम्हें घी जरूर दूंगी। घी का खाली डिब्बा लेकर विमला अपने घर पहुंची और उसने पैसे गिनने शुरू किए। ज्यादा पैसे देख वो बहुत खुश थी। आज तो बहुत अच्छी कमाई हो गई, लेकिन आज मेरा एक ग्राहक खाली हाथ लौट गया। मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। कल से मैं ज्यादा घी बनाऊंगी ताकि कोई भी खाली हाथ ना लौटे। अगले दिन विमला ने घी मथना शुरू किया। जैसे जैसे घी बनता गया, विमला का डिब्बा भरता गया। अब डिब्बा 3/4 भर चुका था और विमला के पास का सारा दूध खत्म हो गया। अरे ये क्या, आज भी डिब्बा पूरा नहीं भरा। अगर आज मेरा एक भी ग्राहक खाली हाथ चला गया तो मुझे बहुत बुरा लगेगा। नहीं, आज मेरा कोई भी ग्राहक वापस नहीं लौटेगा। विमला भीतर से एक वनस्पति तेल का डिब्बा ले आई और उसने घी में तेल मिला दिया। अब कोई खाली हाथ वापस नहीं जाएगा। घी ले लो, घी ले लो, शुद्ध देसी गाय का घी ले लो, घी ले लो। काकी, 1 किलो घी दे दो। हाँ लल्ला, कल तुम्हें घी नहीं मिला ना, आज थोड़ा ज्यादा ही ले लो। विमला ने बच्चे को घी दे दिया और वो आगे बढ़ गई। ऐसे ही विमला बाकी लोगों को भी अपना घी बेचने लगी। आज का दिन तो बहुत अच्छा है, मुझे अच्छे पैसे मिल रहे हैं। वो हलवाई सुरेश के घर के बाहर पहुंची। घी ले लो, घी ले लो। विमला दीदी, 3 किलो घी दे दो। हाँ हाँ सुरेश, लेकिन आज 3 किलो? कोई दावत है क्या? हाँ, मुखिया जी के घर में दावत है, उन्हीं के लिए गाजर का हलवा बना रहा हूँ। अच्छी बात है। विमला ने 3 किलो घी दे दिया
और वो वहाँ से चली गई। विमला खुश थी कि आज उसका कोई भी ग्राहक खाली हाथ नहीं लौटा। हलवाई सुरेश ने गाजर का हलवा बनाया और अब वो हंडी लेकर मुखिया जी के घर पहुंचा। मुखिया जी के घर पर बहुत सारे लोग भोजन के लिए आए थे। हलवाई सुरेश ने उन्हें अपना हलवा परोसा। उनमें से एक व्यक्ति ने वो हलवा खाया। भाई सुरेश, क्या हो गया आज तुम्हारे हलवे को? पहले जैसा स्वाद ही नहीं है इसमें तो। लगता है आज सुरेश का ध्यान भटक गया था। नहीं नहीं, लगता है मुखिया जी ने सुरेश को पैसे नहीं दिए। सभी लोग हंसने लगे और मुखिया जी सुरेश को घूरने लगे। अब सुरेश ने हलवा चखा तो उसे कुछ गड़बड़ लगी। उसने फिर से हलवा चखा। मैंने तो सब चीजें बराबर ही डाली थी, कहीं ये विमला दीदी के घी की वजह से तो नहीं? अगले दिन सुरेश विमला के घर पहुंचा। वहां उसने देखा कि विमला घी में वनस्पति का तेल मिला रही थी। विमला दीदी, इतनी बड़ी धोखाधड़ी, आप शुद्ध घी में वनस्पति तेल मिला रही हैं? आप धोखेबाज हैं। आपके कारण आज पहली बार गांव वालों ने मेरे हलवे की खिल्ली उड़ाई। मैं सारे गांव वालों को तुम्हारी धोखाधड़ी के बारे में बता दूंगा। अरे सुरेश, मेरी बात तो सुनो। सुरेश ने विमला की बात नहीं सुनी और वो वहां से चला गया। सुरेश ने गांव वालों को ये बात बता दी कि विमला ने मिलावट की है, और अब जब विमला घी लेके निकली, दीदी घी ले लीजिए। नहीं नहीं, तुम्हारा घी नहीं चाहिए। घी के नाम पे मिलावटी वनस्पति तेल बेचती हो, चली जाओ यहाँ से। ये बातें सुन विमला को अपनी धोखाधड़ी पर बहुत गुस्सा आया। मिलावट करने से उसके सारे ग्राहक टूट गए और अब कोई भी विमला से घी नहीं खरीद रहा था। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि कर बुरा तो हो बुरा, ईमानदारी एक बहुमूल्य गुण है। अब्दुल एक खानसामा था जो सुल्तान मियाँ के होटल में तंदूरी बनाया करता था। भाई मुझे एक तंदूर पार्सल दे दो। जी अभी देता हूँ। आपके हाथों की तंदूर का जवाब ही नहीं अब्दुल मियाँ। मैंने कई होटल्स की तंदूरी खाई है, पर आपके हाथों में जो बात है वो तो कहीं और है ही नहीं। शुक्रिया, आपको मेरी तंदूरी पसंद आई, बस यही काफी है। अब्दुल सालों से इसी होटल में काम किया करता था, सब कुछ ठीक था। फिर एक दिन सुल्तान मियाँ के बेटे अफसर ने होटल संभालना शुरू कर दिया। भाई आपके होटल की तंदूरी का तो जवाब ही नहीं। हाँ, मैं जानता हूँ जनाब, काफी ग्राहक अब्दुल मियाँ की तंदूरी की तारीफ करते हैं। ये सुनकर अब्दुल मुस्कुराया। वो अफजल के दिमाग में पक रही कुराफाती ख्यालों से अनजान था। अफजल ने सोच रखा था कि वो तंदूरी काउंटर बड़ा बनाएगा और कई और खानसामे रखेगा। अब्दुल भाई, अब आपको दूसरे खानसामों को भी अपनी तरह तंदूरी बनाना सिखाना होगा। वो क्या है कि मैं तंदूरी काउंटर बड़ा करने वाला हूँ ताकि ज्यादा से ज्यादा ऑर्डर ले सकूँ, इसलिए। जी बिल्कुल, मैं सभी खानसामों को सिखा दूंगा। ये सुनकर अफजल खुश था। कुछ दिनों बाद तंदूरी काउंटर बड़ा हो गया। दो और खानसामे काउंटर पर आ गए, अल्ताफ और अरबाज। अब मुझे ध्यान से देखो और सीखो, अगर मेरी तरह तंदूरी को अच्छे से पकाओगे तो ग्राहक तुम्हारी भी तारीफ करेंगे। अब्दुल दोनों को अच्छे से तंदूरी बनाना सिखाने लगा। कुछ ही दिनों में वो लोग भी अब्दुल की तरह तंदूरी बनाना सीख गए। उम्मीद है अब आपका होटल दिन दुगनी और रात चौगुनी तरक्की करेगा। आपकी दुआ कबूल हो अब्दुल मियाँ।
अब्दुल ने अच्छे मन से उन दोनों खानसामों को तंदूरी बनाना सिखाया। पर अफजल बहुत ही शातिर था, उसके दिमाग में बस पैसे कमाने का जुनून था। इसीलिए उसने एक नए पोल्ट्री वाले से सौदा कर लिया। ये पोल्ट्री वाला अफजल को मरी हुई मुर्गियां सस्ते दामों पर बेच रहा था, जिससे अफजल का मुनाफा बढ़ गया था। तंदूरी काउंटर बड़ा होने की वजह से ग्राहक भी बढ़ गए थे। सब कुछ सही चल रहा था, लेकिन एक दिन जब अब्दुल देर रात तक होटल में था, तब होटल के मालिक सुल्तान वहाँ आए। बेटा अफजल, कैसा चल रहा है होटल? बढ़िया अब्बा। मैंने सुना है तूने पोल्ट्री वाला बदल दिया है। हाँ अब्बा, ये नया पोल्ट्री वाला हमें कम दामों पे मुर्गी दे रहा है। अच्छा, पर वो कैसे? क्योंकि वो मुर्गियाँ पहले से मरी हुई हैं। या खुदा, ये क्या गुस्ताखी कर रहे हो बेटा? ये गलत है, ऐसा गुनाह ना करो। अगर हमारी तंदूरी खाकर कोई बीमार हो गया तो खुदा हमें बिल्कुल माफ नहीं करेगा बेटा। ऐसा कुछ नहीं होगा अब्बा, हर होटल वाले यही करते हैं। मेरे सारे दोस्तों के होटल में यही होता है, अब तक कोई बीमार नहीं हुआ, आगे भी नहीं होगा। मेरा काम था तुम्हें आगाह करना, बाकी तुम्हारी मर्जी। अब ये होटल तुम्हारा है और तुम इसके मालिक हो, अच्छा हो या बुरा हो वो तुम्हारा फैसला है, ठीक है? सुल्तान साहब वहाँ से चले गए। ये सारी गुफ्तगू अब्दुल ने सुन ली थी। कुछ देर बाद वो भी अपने घर के लिए चला गया। रात को अब्दुल इसी मसले को सोच रहा था। मैं ऐसी जगह काम नहीं कर सकता जहाँ लोगों की सेहत के साथ खिलवाड़ हो, ये सरासर गलत है। पर अफजल मियां मेरी बात सुनेंगे नहीं, बेहतरी इसी में है कि मैं ये काम ही छोड़ दूं। अब्दुल ने सोच लिया था कि वो सुल्तान होटल में खानसामे का काम छोड़ देगा। अगली सुबह वो होटल गया। मैंने कल सब कुछ सुन लिया था, मेरा जमीर मुझे इजाज़त नहीं दे रहा कि मैं ये काम करूं। मैं इस होटल को छोड़कर जा रहा हूं। अच्छा है, तुम्हें क्या लगता है तुम्हारे जाने से मेरा होटल बंद हो जाएगा? बिल्कुल नहीं, लेकिन तुम्हें किसी और होटल में कभी काम नहीं मिलेगा, इतना पक्का है अब्दुल मियां? मुझे मंजूर है, मैं बिना काम करके रह लूंगा, पर बेईमानी में भागीदारी नहीं करूंगा। अब्दुल ये बोलकर वहां से चला गया। उसने कई होटलों में नौकरी की तलाश की, पर उसे नौकरी कहीं नहीं मिली। थक हार कर एक दिन वो दोस्त मुस्तफा की साइकिल शॉप पर बैठा था। क्या हुआ भाई, आज भी काम नहीं मिला? नहीं दोस्त, अब पता नहीं क्या करूंगा, मुझे तंदूरी बनाने के अलावा और कोई काम आता भी नहीं। तुम्हें कौन बोल रहा है कुछ और काम करो? मैं तो ये बोल रहा था कि तुम अपना तंदूरी का काउंटर खुद ही खोल लो। इतने पैसे नहीं है मेरे पास, तंदूर बहुत महंगा होता है, ऊपर से होटल भी चाहिए ना, फिर उसका भाड़ा, इतना सब कहाँ से कर पाऊंगा? तुम्हारे दोनों मसलों का एक ही हल है मेरे पास, थोड़ा इंतजार करो। मुस्तफा ने दो पुरानी साइकिल रिम्स ली और उनमें छेद करके सलाइयां डाली। ले, तैयार है। ये क्या, समझाता हूँ। मुस्तफा के पास एक हाथ गाड़ी थी। मुस्तफा ने हाथ गाड़ी की लकड़ी के ऊपर पटरा ठोक दिया और फिर ये तंदूर उस हाथ गाड़ी पर रख दिया। अब उसके नीचे तू जलते हुए कोयले रख और इसे घुमा घुमा कर तंदूरी बना। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छा है, तुझे ये कैसे सूझा? बस शायद तेरी मदद करनी थी इसलिए मुझे सूझ गया। शुक्रिया शुक्रिया मेरे दोस्त। अगले दिन से मुस्तफा ने हाथ गाड़ी पे तंदूरी बेचना शुरू कर दिया। मुस्तफा तंदूरी बनाने में उस्ताद था, क्योंकि उसका होटल नहीं था इसीलिए उसने तंदूरी का दाम भी कम रखा था। मुस्तफा के चलते फिरते तंदूरी ठेले पर ग्राहकों की अक्सर भीड़ लगी रहती थी। वही सुल्तान होटल पर फूड ऑफिसर का छापा हुआ और मरी हुई मुर्गी बेचने की वजह से होटल को सील कर दिया गया और अफजल को हवालात में बंद कर दिया गया। शायद यही कुदरत का नियम है, अच्छे के साथ अच्छा होता है और बुरे के साथ बुरा होता है, इसीलिए कहते हैं कर भला तो हो भला। विजयनगर में रघुनाथ नाम का एक मजदूर था जो रोज मजदूरी करने अपने गांव से दूर शहर जाया करता था। रघुनाथ की पत्नी लक्ष्मी थी और उनके दो बच्चे थे, महेश और आशा। सारा परिवार खुश था। एक दिन की बात है, रघुनाथ हमेशा की तरह मजदूरी करने शहर गया था। वो रोड क्रॉस कर रहा था कि एक ट्रक से उसका एक्सीडेंट हो गया।
रघुनाथ को हॉस्पिटल में एडमिट करवाया गया। उसका सारा परिवार दुखी था, बच्चे रो रहे थे। लक्ष्मी ने सबको संभालने की कोशिश की। देखो पापा ठीक हो जाएंगे, तुम दोनों ऐसे रोगे तो उन्हें अच्छा नहीं लगेगा। पापा कब ठीक होंगे, बोलो ना माँ। बहुत जल्द, तुम दोनों फिक्र मत करो, मैं सब कुछ ठीक कर दूंगी। कई दिन बीत गए, रघुनाथ की हालत बेहतर थी पर वो अब भी चल फिर नहीं पा रहा था। एक दिन तभी नर्स लक्ष्मी के पास आई। आपको डॉक्टर साहब बुला रहे हैं। लक्ष्मी डॉक्टर के केबिन में पहुंची। बहन जी, मैं आपको झूठी तसल्ली नहीं देना चाहता, आपके हस्बैंड के दोनों पैरों का ऑपरेशन करना पड़ेगा तभी वो चल पाएंगे, पर आपकी परिस्थिति देखकर लगता नहीं कि आप इतना खर्चा उठा पाएंगी। कितना खर्चा होगा डॉक्टर साहब? लगभग 20 लाख। बाप रे। अगर उनका ऑपरेशन नहीं हुआ तो वो वापस चल नहीं पाएंगे। अब आप अपने हिसाब से देख लीजिए, अगर आप उनके ऑपरेशन के लिए पैसों का इंतजाम कर सकती हैं तो बहुत अच्छा होगा। जी डॉक्टर साहब, मैं कोशिश करती हूँ। लक्ष्मी सोच में डूब गई कि वो कैसे अपने पति का इलाज करवाएगी। वो बच्चों के साथ घर गई और अपने गहने देखने लगी। ये तो बहुत कम है, इससे तो 1 लाख रुपया भी नहीं आएगा। घर भी संभालना है और इनका इलाज भी करवाना है, कैसे होगा ये सब? लक्ष्मी अपने गहने देख ही रही थी कि उसके दोनों बच्चे उसके पास आए। माँ, क्या तुम ये मंगलसूत्र और कंगन बेच दोगी? और कोई रास्ता नहीं दिख रहा है बेटा। माँ, अगर हम सब मिलकर पैसे कमाए तो? कैसे? आप बहुत अच्छी इडली बनाती हो माँ, अगर हम लोग इडली का ठेला डालें तो? वो तो हम कर सकते हैं, पर क्या उससे इतने सारे पैसे इकट्ठा होंगे, 20 लाख? माँ कोशिश तो करके देखते हैं, भगवान ने चाहा तो जल्द से जल्द पैसे जमा हो जाएंगे और पापा का इलाज भी हो जाएगा। बहुत बड़े हो गए हो तुम दोनों, चलो इडली के व्यवसाय की तैयारी करते हैं। लक्ष्मी और बच्चे घर में चीजें इकट्ठी करने लगे। ये रहे चम्मच और प्लेट्स, ये रहा चूल्हा, ये रहा इडली का कुकर, पर मुझे लगता है ये छोटा है, ठेले पर अगर ज्यादा लोग आ गए तो फटाफट इडली नहीं बन पाएगी। तो हमें क्या करना चाहिए माँ? हमें नया इडली का कुकर लेना होगा, मेरे पास थोड़े पैसे हैं, उसमें बड़ा इडली का कुकर आ जाएगा। इडली का कुकर खरीदने के लिए तीनों दुकान पर पहुँचे। भैया एक बड़ा इडली का कुकर दिखाइए। उस दुकानदार ने उन्हें एक कुकर दिखाया, इससे भी बड़ा चाहिए। बहन जी, इससे बड़ा इडली कुकर मेरे पास नहीं है, आजकल इससे बड़ा इडली कुकर नहीं बनता। ऐसे कैसे हो सकता है? पर आप पुराना इडली कुकर खरीद सकती हैं। बगल में ही एक पुराने बर्तनों की दुकान है, उनके पास जरूर बड़े इडली कुकर्स होंगे, आप वहाँ देख लीजिए। ठीक है। लक्ष्मी और उसके बच्चे बगल वाली दुकान पर गए। वहाँ लक्ष्मी का ध्यान एक पीतल के बड़े इडली कुकर पर गया। भैया वो बड़ा वाला इडली का कुकर कितने का है? वो पुराना वाला ना, वो 500 रुपए का है। ठीक है, वो मुझे दे दीजिए। लक्ष्मी और बच्चे वो बड़ा पीतल का इडली कुकर लेकर अपने घर आए। घर पहुंचकर, माँ आपने यही इडली कुकर क्यों चुना? बगल में कितने चमकदार स्टील के कुकर भी थे, तो ये पीतल का ही क्यों? क्योंकि ये पीतल का है, पीतल में इडलियों का स्वाद और भी अच्छा हो जाता है, और तो और हमें ये बहुत अच्छे दाम में मिला। पर माँ हमें नया कुकर लेना चाहिए था ना, देखो ना इस पर कितनी गंदगी है। आशा ये पीतल का है, अभी इसे घिसूंगी ना तो चमकने लगेगा। ठीक है माँ। लक्ष्मी ने वो इडली कुकर धोया और वो चमकने लगा। अरे वाह, ये तो चमक रहा है। कहा था ना मैंने। और आशा इसीलिए कहते हैं ओल्ड इज गोल्ड। माँ इसमें इडली बनाकर देखो तो। बनाती हूँ। लक्ष्मी ने उस इडली कुकर की थालियों में इडली का आटा डाला और उसे गैस पर चढ़ा दिया। अब हमें 8 मिनट इंतजार करना होगा ना माँ? हाँ बिल्कुल। दोनों बच्चे इडली बनने का इंतजार कर रहे थे। उन दोनों की नजर घड़ी के कांटे पर ही टिकी थी।
जैसे ही घड़ी में 8 मिनट हुए, हो गया 8 मिनट हो गया। हाँ हाँ सबर रखो, खोलती हूँ। जैसे ही लक्ष्मी ने कुकर खोला तो कुकर के अंदर से रोशनी चमकने लगी। सफेद आटा सुनहरा कैसे हो गया? जैसे ही लक्ष्मी ने वो इडली बाहर निकाली तो वो हड़बड़ा गई। ये इडली पत्थर की कैसे हो गई? पत्थर की नहीं, सोने की। सोने की इडली? लक्ष्मी एक सोने की इडली लेकर सोनार के पास गई और वहाँ उससे जांच करवाने लगी। ये खरा सोना है। ये सुनकर लक्ष्मी को अपने कानों पर यकीन न हुआ। वो घर लौटी और ये बात अपने बच्चों को बताई तो वो खुशी से कूदने लगे। हमारे पास इतनी सारी सोने की इडली है माँ, इन्हें बेचकर हम पापा का इलाज करवा सकते हैं ना? हाँ, ये इतना सारा सोना है कि हम सोच भी नहीं सकते बच्चों। कुछ दिनों बाद लक्ष्मी ने सुनार को 2 सोने की इडलियाँ बेच दी और उससे मिले हुए पैसों से अपने पति रघुनाथ के पैरों का ऑपरेशन करवाया। रघुनाथ वापस चलने लगा। 2 और सोने की इडलियाँ बेचकर लक्ष्मी ने नया घर खरीद लिया। रघुनाथ और उसका परिवार नए घर में हंसी खुशी रहने लगा। आज भी वो इडली का कुकर लक्ष्मी के पास ही है, पर वापस उसने कभी सोने की इडली नहीं बनाई। माँ, क्या हम वापस सोने की इडली नहीं बनाएंगे? नहीं, क्योंकि भगवान ने हमें जितना दिया है वो हमारे लिए बहुत है। और वैसे भी आशा, माँ हमेशा बोलती है ना, लालच बुरी बला है। हाँ, और हमें लालच बिल्कुल नहीं करना चाहिए। बिल्कुल सही। अब तुम दोनों भूल जाओ कि हमें कभी जादुई इडली कुकर मिला भी था, और हमेशा खुश रहो। अम्मा नाम की एक मशहूर डोसे वाली थी। अम्मा की दुकान गांव के बीचों बीच थी। सुबह की पहली किरण के साथ अम्मा अपनी दुकान खोल दिया करती थी और ग्राहकों का वहाँ हमेशा तांता लगा रहता था। अम्मा, आपका डोसे का तो जवाब ही नहीं। अम्मा, ना जाने कैसे इतना स्वादिष्ट डोसा बना लेती हैं आप। अपने ग्राहकों से अपने डोसे की तारीफ सुनकर नागम्मा बहुत ही खुश हो जाया करती थी। अम्मा के ज्यादातर ग्राहक सुबह सुबह नाश्ते में डोसा खाना पसंद करते थे। अरे अम्मा जी, एक स्पेशल मैसूर मसाला डोसा। बैठो बैठो, अभी देती है। अम्मा अपने सभी ग्राहकों को अच्छे से बिठाया करती थी और उनके साथ बातें भी किया करती थी। समय बीता और समय के साथ अम्मा की दुकान भी बड़ी होने लगी। अब अम्मा ने अपनी सहायता के लिए 2 और औरतों को भी काम पर रख लिया था। अब अम्मा गल्ले पर बैठकर पैसे लिया करती थी और ग्राहकों से बातें किया करती थी। अम्मा के सहायकों में एक वीना थी। वीना की नजर हमेशा अम्मा के पैसों पर थी। यहाँ हम दोनों हमेशा काम करते रहते हैं और वहाँ अम्मा को देखो, सिर्फ पैसे बटोरती रहती है। और हमें क्या मिलता है? हमें अपनी तनख्वाह मिलती है। उसमें भला कुछ होता है क्या? वहाँ देख, अम्मा के पास कितने सारे पैसे हैं। वो उनकी कमाई है। आखिर सालों से उन्होंने इतनी मेहनत की है, तब जाकर ये दुकान इतनी बड़ी हुई है। वही तो मैं तुझे बोल रही हूँ, हमें भी अपनी दुकान डालकर मेहनत करनी चाहिए। ना रे बाबा ना, ये सब मुझसे नहीं होगा, मेरे लिए तो ये तनख्वाह ही काफी है। वीना ने बहुत समझाने की कोशिश की लेकिन लक्ष्मी ने उसकी बात ना मानी। वीना कई दिनों तक अपनी दुकान डालने की सोचती रही और आखिर एक दिन वीना ने अपने डोसे की दुकान खोल ही ली। अम्मा का डोसा 10 रुपए था तो वीना ने 8 रुपए में डोसा बेचना शुरू किया। धीरे धीरे सारे ग्राहकों की भीड़ वीना के डोसे की दुकान की ओर बढ़ने लगी। ये देख वीना बहुत खुश थी लेकिन जल्द ही उसमें घमंड आ गया। अम्मा बहुत ही निर्मल थीं और वो अपने ग्राहकों से बहुत ही नम्रता से बात करती थीं। लेकिन वीना अब उसका घमंड बढ़ गया था।
दीदी एक मसाला डोसा दे दो। हाँ हाँ दे रही हूँ, लेकिन 10 मिनट इंतजार करना पड़ेगा। ठीक है दीदी। वो अक्सर ग्राहकों को बेफिजूल इंतजार करवाती थी। ये लो तुम्हारा मसाला डोसा। दीदी मुझे वो हरी चटनी दे दो। अरे डाली है ना हरी चटनी, कितना वो डालू। रीना अक्सर ग्राहकों से छोटी बड़ी बात पर बहस करने लग जाती। कुछ समय बाद रीना का घमंड इतना बढ़ा कि उसने सोचा कि वो चाहे कुछ भी कर ले तब भी ग्राहक उसी के पास आएंगे। क्योंकि मेरा दाम कम है इसीलिए सारे ग्राहक मेरी ही दुकान पर आएंगे। रोज रोज सुबह 6 बजे दुकान खोलकर मैं थक गई हूँ। एक काम करती हूँ, कल से 7:30 बजे खोलूंगी। अगर ग्राहकों को इंतजार करना पड़े तो मुझे क्या, मेरी तो नींद अच्छे से पूरी होगी। और अगली सुबह रोज की तरह अम्मा की दुकान खुल गई, लेकिन वीना की दुकान बंद थी। ये देख सारे ग्राहक अम्मा की दुकान पर चले गए। ग्राहकों का तांता देखकर अम्मा ने युक्ति लगाई और अपने डोसे का दाम भी 8 रुपया कर दिया। 7:30 बजे वीना ने अपनी दुकान खोली, लेकिन अब जब ग्राहक वहाँ पहुँचे तो दोनों दुकानों पर एक ही दाम देखकर, अरे वाह अम्मा ने भी दाम घटा दिया। बड़े दिन हो गए अम्मा का डोसा खाए हुए। और फिर पूरा दिन ग्राहकों का तांता अम्मा की दुकान में ही था और यहाँ वीना की दुकान में इक्का दुक्का ग्राहक आ रहे थे। वीना मन ही मन जल रही थी और इस वजह से वो ग्राहकों पर चिल्ला बैठी, नहीं चाहिए तुम्हारा डोसा, तुम ही खाओ। सारे ग्राहक अम्मा की दुकान पर चले गए। आज अम्मा बहुत खुश थी क्योंकि एक बार फिर उनका व्यापार अच्छे से चल रहा था। लेकिन वीना जलन के मारे अम्मा को कोस रही थी। बच्चों इस कहानी में अम्मा ने कुछ भी नहीं किया, लेकिन वीना के घमंड ने उसका अच्छा खासा व्यापार खराब कर दिया। अगर वो पहले ही लोगों से अच्छे से बर्ताव करती और घमंड ना करती तो आज उसका भी व्यापार अच्छा चल रहा होता। इसीलिए कहते हैं कि घमंड इंसान को ले डूबता है। दक्षिण भारत के गांव में रमा और उसके पति चिनप्पा रहते थे। दोनों गांव के एक खेत में मजदूरी करके अपना घर चलाया करते थे। रमा और चिनप्पा के एक बेटी और बेटा थे। वो लोग अपने बच्चों को पढ़ा लिखा कर बड़ा बनाना चाहते थे, लेकिन एकाएक चिनप्पा की तबीयत खराब रहने लगी। वो बहुत बीमार हो गया। अब रमा को खेतों में मजदूरी भी करनी पड़ती थी, अपने बच्चों का भी ख्याल रखना पड़ता था और अपने बीमार पति का भी। उसकी परिस्थिति बहुत ही खराब हो चुकी थी। एक दिन चिनप्पा को देखने उसका भाई मोहन आया। भाई तुम्हारी तबीयत तो बहुत खराब है, तुमने डॉक्टर को दिखाया या नहीं? दिखाया देवर जी, पर फिर भी कोई असर नहीं हो रहा है। मैं मंदिर में तुम्हारे नाम की अर्चना करूंगा, तुम जरूर ठीक हो जाओगे। ठीक है मेरे भाई। भाभी आप अकेले पे घर संभालने का सारा भार आ गया है ना? हाँ, लेकिन अब घर तो चलाना ही होगा ना। भाभी मैं एक इडली की दुकान डाल रहा हूँ, क्या आप वहाँ इडली बनाना चाहेंगी? जिससे आपको अधिक पैसे भी मिल जाएंगे और आपकी आर्थिक परिस्थिति भी सुधर जाएगी। मुझे जो भी मुनाफा होगा वो हम दोनों बांट लेंगे। हाँ ठीक है देवर जी। और अगले दिन से रमा मोहन की दुकान में इडलियाँ बनाने लगी। गांव के लोगों को रमा की बनाई हुई इडली बहुत पसंद आई। देखते ही देखते रमा की बनाई हुई इडलियाँ मशहूर हो गईं। दुकान में रोज लोगों की भीड़ लगने लगी। दोनों रमा और मोहन खुश थे क्योंकि दोनों का मुनाफा बढ़ता जा रहा था। कमाए हुए मुनाफे से रमा ने चिनप्पा का अच्छा इलाज करवाया।
और कुछ ही दिनों में चिनप्पा फिर से चलने फिरने लगा। अब 2 महीने बीत गए और रमा और मोहन की दुकान में ग्राहकों की भीड़ लगी रहती थी। और आज रमा सोचने लगी, ये इतनी सारी भीड़ सिर्फ मेरी इडलियों की वजह से है, तो मेरे मुनाफे पे ज्यादा हक हुआ। मोहन तो सिर्फ सामान लेकर देता है और ग्राहकों को इडलियां बांध के देता है, तो उसे बराबर का मुनाफा बिल्कुल नहीं मिलना चाहिए। शाम के समय जब दोनों मुनाफा बांट रहे थे तो देवर जी, सारी इडलियां मैं ही बनाती हूँ, अगर मेरी इडलियां इतनी स्वादिष्ट ना होती तो आपको इतना मुनाफा नहीं होता। वो तो है भाभी, आपकी इडलियां वाकई में बहुत अच्छी हैं। तो इस वजह से मेरा मुनाफे पे हक ज्यादा होना चाहिए। लेकिन भाभी ये गलत है, मैं भी दिन भर मेहनत करता हूँ तब जाके हम इतना कमाते हैं, मतलब हम दोनों ही बराबर मेहनत करते हैं, इसीलिए मुनाफे पे हम दोनों का बराबर का हक हुआ। नहीं देवर जी, अब आप गलत बोल रहे हैं। अगर ऐसा है तो कल से आप कोई और इडली बनाने वाली को रख लो। रमा मोहन से बहस कर अपने घर निकल गई और अगले दिन से गांव में 2 इडली की दुकानें लगी। एक रमा की, जहां वो खुद ही इडलियां बना रही थी और बेच रही थी, और एक मोहन की, जहां एक दूसरी औरत इडलियां बना रही थी। रमा की नई दुकान देख सारे गांव वाले उसकी दुकान की ओर चले गए, लेकिन रमा अकेली थी। वो इतने ज्यादा लोगों को अकेले संभाल नहीं पा रही थी। आखिर थक कर सारे गांव वाले मोहन की दुकान पर लौटे, जहां मोहन हमेशा की तरह सभी ग्राहकों को अच्छे से इडलियां देता रहा। ये सिलसिला रोज चलता रहा और देखते ही देखते गांव वाले मोहन की इडली की दुकान में ही इडली लेने जाया करते थे। अब रमा अकेले अपनी दुकान पर खड़े रहकर पछता रही थी, ये मैंने क्या कर दिया, मुझे लगा था इडलियां बनाना ही सब कुछ था, लेकिन नहीं, मोहन का ग्राहकों को संभालना भी बहुत जरूरी था। कम से कम जब मैं मोहन के साथ थी मुझे अच्छे पैसे तो मिलते थे, लेकिन अब मेरी इडलियों को कोई पूछता भी नहीं। रमा को अपनी इडलियों पर घमंड था जो अब टूट चुका था। इसलिए कहते हैं कि घमंड कांच की तरह होता है जो जरूर टूटता है।